हेलो दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विकास। इस वीडियो में हम कुछ विषय बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो आइए उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम विकास को समझेंगे कि विकास होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें कुछ सिद्धांत होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, और आखिरी में हम जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत, इस वाले सिद्धांत के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए विकास से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये शब्द विकास को कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। विकास, जिसे हम अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं, जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। और दोस्तों, विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। ये बात भी आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। अब दोस्तों, विकास को अच्छे से समझने के लिए हम जीवन की उत्पत्ति पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति आखिरकार इस पृथ्वी पर हुई कैसे। पूरी तरह तो ये कोई भी नहीं जानता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, और उस समय पर क्या परिस्थितियां रही होंगी इस पृथ्वी पर? तो इन्हीं सारी बातों को हम इस चीज में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ सिद्धांत, या कह सकते हैं परिकल्पना, है कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी और ये ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया होगा। इनमें से एक सिद्धांत है द बिग बैंग थ्योरी, और ये बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना। ये कहती है कि एक अकेली वस्तु थी जिसमें कि धमाका हुआ। ये विस्फोट बहुत ही शक्तिशाली था। यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। फिर इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई, और कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ, जैसे कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे। और फिर हमारा सौर मंडल बना, और सौर मंडल में कई सारे ग्रह बने, जिसमें कि पृथ्वी भी हमारा ग्रह शामिल है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले बनी थी, मगर शुरुआती समय में ये पृथ्वी रहने योग्य नहीं थी। तो जीव रूपों को इधर बसने के लिए पृथ्वी के पर्यावरण को एकदम सही होना था, जिसमें कि कई सारी प्रक्रियाएं हुई, जैसे कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, उन्होंने पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विखंडित कर दिया, और धीरे धीरे करके हमारा वायुमंडल बना, और उसमें ओजोन लेयर भी हमारी बनी। और ऐसी ही प्रक्रियाओं की वजह से पृथ्वी रहने योग्य हुई, और आज हम जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है और इसमें कितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। अब दोस्तों, एक और सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं पैनस्पर्मिया। ये परिकल्पना कहती है कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, और ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आया था, और जीवन मेटेरॉइड्स वगैरह की वजह से फैला था, जो कि शायद सूक्ष्म जीवों के साथ थी। और इस सिद्धांत पर आज भी कुछ खगोल वैज्ञानिक भरोसा करते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को समझते हैं। दोस्तों, पहले के समय में माना जाता था कि अगर हम कुछ खाने की चीजों को बाहर छोड़ देते हैं तो जीव अस्तित्व में आ जाते थे। सिर्फ यूं ही वो अस्तित्व में आ जाते थे। फिर कुछ प्रयोगों से इस सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। इन्हीं प्रयोगों में से लुईस पाश्चर का एक प्रयोग था जिससे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को ठुकराया गया, और इन्होंने बताया कि जीवन पहले मौजूद जीवन से ही आ सकता है। मगर दोस्तों, इन सब बातों से भी हमें यह नहीं पता चलता है कि आखिरकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसका जवाब ढूंढते हुए आइए
थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, इस थ्योरी को AI ओपरेन और JBS हाल्डेन ने प्रस्तावित किया था। इन्होंने सरल तरीके से कहा था कि शुरुआती पृथ्वी का समुद्र एक मौलिक सूप की तरह था, जहां पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से ऑर्गेनिक अणु बने और ये ऑर्गेनिक अणु इनऑर्गेनिक अणुओं से बने थे, और इनसे ही जीवित कोशिकाएं बनी होंगी जो कि जीवन की शुरुआत थी। अब दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न मेरे मन में उठता है कि किस वजह से ये रासायनिक क्रियाएं हुई होंगी। तो आइए अब इसको जानते हैं। ओपेरिन और हाल्डे ने प्रस्तावित किया कि इन प्रतिक्रियाओं को ऊर्जा और उत्तेजना दोनों प्रदान की गई थी, जैसे कि प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद परिस्थितियां जो कि थी उच्च तापमान, ज्वालामुखी विस्फोट और मीथेन अमोनिया आदि युक्त रिड्यूसिंग वातावरण। तो इन सभी परिस्थितियों की वजह से ये सारी चीजें हुई होंगी, जिससे कि जो इनऑर्गेनिक अणु थे वो ऑर्गेनिक अणु में बदले और जिनसे बाद में कोशिकाएं बनी। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और मिलर का प्रयोग इसको हम समझ लेते हैं। इस प्रयोग ने थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन का सपोर्ट किया था। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें आखिरकार हुआ क्या था। तो इस प्रयोग को स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने किया था, और इस प्रयोग को इस वजह से हम मिलर यूरी का प्रयोग भी कहते हैं। और इन दोनों ने इस प्रयोग में शुरुआती पृथ्वी के वायुमंडल की नकल की थी, उन्होंने इसको बनाया था। तो देख लेते हैं कि इन्होंने पूरी तरह इस प्रयोग में क्या किया था। तो इन्होंने एक उपकरण बनाया था जो कि प्राचीन जल चक्र के अनुसार चलता था। इन्होंने इस मॉडल में पानी डाला जो कि प्राचीन समुद्र की नकल करेगा, फिर इसको इन्होंने उबाला जो कि वाष्पीकरण की नकल करेगा। वायुमंडलीय गैसों के लिए इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया लिया। ये गैसें शुरुआती पृथ्वी पर मौजूद थी। एक कंडेंसर भी इन्होंने लगाया ताकि वायुमंडल को ठंडा रखा जा सके। इससे पानी की अणु तरल पानी की बूंदों में बदलने लगे जो कि मॉडल के समुद्र में गिर रहे थे, जैसे कि बारिश के समय होता है। और पहले वाली पृथ्वी के पास कई सारे ऊर्जा के स्रोत भी होंगे, जैसे कि सूर्य की किरणें, भूतापीय ऊर्जा और आकाशीय बिजली। तो इन्होंने मॉडल के वायुमंडल में स्पार्क्स डाले जो कि आकाशीय बिजली की नकल करेगा। और फिर इन्होंने थोड़े समय के लिए इस प्रयोग को चलाया, लगभग एक हफ्ते के लिए इन्होंने चलाया इसको, और इन्होंने फिर देखा कि जो मॉडल का समुद्र था वो भूरे काले रंग का हो गया था। विश्लेषण के बाद पता चला कि कुछ प्रतिक्रियाओं की वजह से जटिल अणु बने। इन जटिल अणुओं में से अमीनो अम्ल भी थे, जो कि हम एक समय में सोचते थे कि यह जीवित व्यक्ति के अंदर ही बन सकते हैं। और दोस्तों, शुगर, लिपिड और अमीनो अम्ल मेटेरॉइड्स पर भी मिले हैं, जिससे कि यह साफ होता है कि जीव रूपों के अणु प्राचीन सौर मंडल में कई जगह पर बने होंगे और शायद अभी भी दूसरी आकाश गंगाओं में बन रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मिलर का ये प्रयोग थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को समर्थन दे रहा है, कहीं ना कहीं ये उसको सपोर्ट कर रहा है। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के अगले विषय बिंदु को हम समझ लेते हैं, जो कि है जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत। ये सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के अवलोकनों पर आधारित थे, जो कि इन्होंने HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान बनाए थे। इन्होंने कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वे पौधे हों या वो प्राणी हों, सभी के पास अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं जैसे कि जीव की आकार की, उसका व्यवहार आदि होता है। जैसे कि हम मानवों के पास चार लिम्ब्स होते हैं, दो हाथ और दो पैर, इसलिए हमें टेट्रापोड्स कहा जाता है, और ये विशेषता दूसरे जीवों में भी मौजूद है। तो चार्ल्स डार्विन ने देखा कि अलग दिखने वाले और अलग तरह से व्यवहार करने वाले जीव आपस में कुछ समानताएं भी साझा करते हैं।
और कुछ विशेषताएं तो विलुप्त जीव भी आपस में साझा करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते हैं, बल्कि उन जीव रूपों से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी और इनके साझे पूर्वज थे। आइए दोस्तों अब प्राकृतिक वरण की अवधारणा को समझ लेते हैं। इस पर ही यह सिद्धांत आधारित है। अब प्राकृतिक वरण होता क्या है इसको हम देख लेते हैं। वे विशेषताएं जो कुछ जीवों को एक ही वातावरण में दूसरों की तुलना में बेहतर जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें प्रकृति द्वारा चुना जाता है। यही प्राकृतिक वरण है। और दोस्तों प्राकृतिक वरण ही विकास का कारण होता है, इसकी वजह से ही विकास होता है, इस सिद्धांत में ऐसा बोला गया है। आइए दोस्तों इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए यह एक पेट्री प्लेट है और इसमें मैंने ए प्रकार का मीडिया डाला और फिर इसमें मैंने जीवाणुओं का विकास करवाया, उनको मैंने ग्रो करवाया, जो कि संख्या में 20 जीवाणु उत्पन्न हुए इस पेट्री प्लेट में। और फिर मैंने दूसरी पेट्री प्लेट ली और इसमें बी प्रकार का मीडिया डाला और फिर मैंने इस ए पेट्री प्लेट में से 20 जीवाणुओं को बी वाले मीडिया में डाल दिया और फिर इसमें देखा मैंने इसमें भी विकास हुआ इनका और फिर देखा तो यहां पर से 5 जीवाणु ही उत्पन्न हुए। 20 में से केवल 5 जीवाणु उत्पन्न होते हैं यहाँ पर। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि उन 5 बैक्टीरिया यानी कि उन 5 जीवाणुओं का चयन मीडिया के इन्वायरमेंट की वजह से हुआ और 20 जीवाणु में से केवल 5 ही सरवाइव कर पाए इस प्रकार के बी प्रकार के मीडियम में। और वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि 5 ही जीवाणुओं के पास कहीं ना कहीं योग्यता थी इस टाइप के मीडिया में ग्रो करने की। तो प्राकृतिक वरण कुछ इस तरह से काम करता है। और फिर उसी समय पर एक और शख्स था जिसका नाम था एल्फ्रेड वॉलेस। इन्होंने भी प्राकृतिक वरण के बारे में डार्विन जैसे ही इनके विचार थे। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्राकृतिक वरण के बारे में? जीवित प्राणी संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं और दिए गए वातावरण में सबसे उपयुक्त जो प्राणी होगा वो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, यानी कि वो ज्यादा अच्छे से जीवित रह पाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि विकास क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी और हमने जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसमें हमने कुछ सिद्धांतों को पढ़ा और फिर हमने आखिरी में जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत इस पर भी हमने चर्चा करी जिसमें कि हमने प्राकृतिक वरण के बारे में पढ़ा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 विषय बिंदुओं को खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम विकास के प्रमाण क्या है इनको हम समझेंगे और हम अनुकूली विकिरण क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।